वो पहले ही बात से कर सर धन्यवाद। पासवान जी आप मेरी तरफ देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपने पासवान जी का एक बयान था पहले मैं सुन रहा था। एक मिनट पॉइंट हम लोग अगर कोई कोई भी डिस्कशन में या तो एक तय कर दिया जाए कि हम लोग बीजेपी या गवर्नमेंट के बारे में कोई बात ना कहें, कोई आरोप नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कह सकते। अगर जैसे ही हमारी तरफ से कोई बात कही जाती है तो इन लोगों की तरफ से भी और चेयर को भी एतराज हो जाता है, तो इसके बारे में एक रूल तय हो जाए कि हम लोग इनकी तारीफ कर सकते हैं, हम इनके बारे में कुछ बोलेंगे, कोई आलोचना करेंगे, सच्चाई बोलेंगे तो उसमें। सतीश चंद्र जी एक मिनट सुनिए, आप अनुभवी है, आप एक्सपीरियंस है, आपने चेयर का भी नाम लिया, ये मुझे स्पष्टीकरण देना। कोई व्यक्ति एक पार्टी का नाम लेंगे, दूसरी व्यक्ति दूसरी पार्टी का नाम लेंगे, तीसरी व्यक्ति होता है ना, इतना समझ लीजिए, मगर उसका सहन करने के लिए सत्ता के खिलाफ बोलेंगे ये। नहीं, दोनों बोलेंगे ना तो, जब बोलना शुरू किया हंगामा हो गया वो तो इसलिए मेरा सुझाव है मेन पर्पस बिल में क्या डिफेक्ट्स है, क्या हाइलाइट्स है, उसमें क्या करना क्या नहीं करना वगैरह, उसके ऊपर उसके बाद कुछ भी बोलना चाहे तो बोल सकते। संजय राउत आप वीर सिंह जी बैठ जाइए, वो रिकॉर्ड में रह जाएगा, बैठ जाइए। अरे भाई देखिए सत्ता में सब थे अभी तक चेयरमैन सर, सत्ता में सब थे ना इतना साल सब। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। प्लीज ये कमेंट्री बैठ के कुछ करना नहीं, काम होने दीजिए। मैं इस बिल के समर्थन देख रहे पूरा देशवासी। मैं दो दिन पहले सम्मानीय मंत्री रामविलास पासवान जी का बयान हमारे बारे में पढ़ रहा था, सुन रहा था, एक ट्वीट भी किया कि शिवसेना दलित विरोधी है और इस बिल का समर्थन नहीं करेगी। मैं रामविलास जी को बताना चाहता हूं, आप हमारे साथी हैं, मैं उस राज्य से आया हूं जहां से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू महाराज और महात्मा फुले आए हैं, और सामाजिक न्याय और समता की डेफिनेशन क्या है ये शिवसेना से ज़्यादा महाराष्ट्र में कोई जानता होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बात है मैं संक्षिप्त में बताऊंगा सर। आज महाराष्ट्र बंद है, आपको बताता हूँ, आज महाराष्ट्र बंद है, जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है आज पूरा महाराष्ट्र बंद है, कुछ जगह पे हिंसा भी हुई है। उनकी जो दो मांगे हैं उसमें से आरक्षण तो है, दूसरी मांग है ये बिल के खिलाफ है, एट्रोसिटी रद्द करने जो कानून है ये कानून के खिलाफ उनकी मांग है, कानून रद्द करो। उसका मतलब यह है कि समाज के मन में एक डर है कानून के खिलाफ, कि ये कहीं ना कहीं ये कानून का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, और निर्दोष या बेगुनाह लोग हैं वो उसमें जल जाते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जिस बारे में अभी हम अमेंडमेंट करने जा रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये कानून को लेकर एक जो दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की थी कि ये कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और उन्हें रोकने का आदेश दिया था। बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को सही ठहराया था, बाद में राजनीतिक व्यवस्था होती है, भारत बंद हो गया, थोड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन प्लीज, प्लीज। लेकिन सर न्यायालय इस सिद्धांत पर चलता है कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये हमारा सिद्धांत है, हमारा संविधान का सिद्धांत है। उसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के सामने या किसी न्यायालय के सामने इस प्रकार के कुछ घटनाएं आई है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ है, हम ये नहीं चाहते। ये दलित अत्याचार विरोधी कायदा है, रहना चाहिए, ये अधिकार है उनका, रहना ही चाहिए। लेकिन हम समर्थन देने के साथ साथ ये भी कहेंगे अगर कोई व्यक्ति कोई संस्था कोई संगठन कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कानून का गैर उपयोग दुरुपयोग करती है और सिद्ध होता है तो आप उसको क्या सजा देंगे, आपके कानून में आप उसका क्या प्रावधान रखा है कि कोई इस एट्रोसिटीज का मिसयूज करता है right. उस बारे में भी हमको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। और रामविलास जी आप बड़े नेता है, आप सामाजिक न्याय को भी समझते हैं,
तो सभी समाज को साथ लेकर, सभी को विश्वास देकर ये कानून को हमें आगे लेके जाना है।